दोस्तों आजकल कैब वगैरह में भी सफर करना जो है अकेले सेफ नहीं है। कल दोस्तों एक बंदा चेन्नई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था, वो कोयम्बटूर गया था दोस्तों, और वहां से लौटने के वक्त जब उसने ओला बुक किया और ओला ड्राइवर आया, उसके बाद वो लोग कुछ बातें वगैरह करी और दोस्तों ओला ड्राइवर ने ओटीपी की वजह से उसको दोस्तों मार दिया, मतलब जान ले लिया दोस्तों उसका। तो इस तरह ही कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको दोस्तों ये रिपोर्ट कैसा लगा? और ये दोस्तों फेक नहीं है, रियल है, जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नेट में सर्च कर सकते हैं। आपकी जो भी राय है कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। सबसे पहले बात करते हैं, मॉर्निंग में बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो डाल दिया है सिक्योरिटी ऐप और दोस्तों गेम टर्बो 5.0 का ऑफिशियली सबको मिल चुका है, तो जाके दोस्तों देखिए, वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त है। आप बात करते हैं कल के पोल की, हमने आपसे पूछा था क्या फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो है DSLR के जैसा पिक ले सकता है। 75% लोगों ने कहा नहीं, 25% लोगों ने कहा हाँ। आप दोस्तों किसके साथ है कमेंट में अपनी राय जरूर। तो चलिए दोस्तों पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप में ऐसा बताया जा रहा है कि कल मैंने बताया था कि ऑनलाइन फीचर्स आने वाला है, मतलब आप ऑफलाइन है या ऑनलाइन है वहां पर उसको हाइड कर सकते हैं। तो ये जो है दोस्तों अपडेट iOS में रिलीज कर दिया गया है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इस तरह की कुछ न्यूज निकल के आ रही है। देखिए एंड्रॉइड में कब होगा, तो दोस्तों जैसे ही आएगा हम आपको अपडेट जरूर देंगे। इसलिए दोस्तों इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। कोई तरीका है भीख मांगने का, ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिले। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक बड़े स्कैम की। ऐसा बताया जा रहा है कि पेटीएम का दोस्तों कैशबैक के ऊपर बहुत सारे लिंक्स इधर से उधर हो रही है, जिसमें ऐसा बोला जाएगा कि आप कहीं पर भी पैसा ट्रांसफर करिए और प्रोमो कोड वगैरह कुछ लगाइए। जैसे ही दोस्तों उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका जो भी मतलब अकाउंट डिटेल है वो डार्क वेब में चल जाएगा और वहां पर सेल हो जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उसके बाद कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो इस तरह की दोस्तों लिंक वगैरह कुछ भी आ रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, तो दोस्तों सेफ रहिए। पेटीएम ने ऑफिशियली दोस्तों ट्विटर में ये कहा है कि इस तरह का लिंक घूम रहा है इधर उधर। आपकी जो भी राय है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। आप अनफंड जगह पे क्लिक कर देखा आपने लापरवाही का नतीजा है या नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं वॉल्वो की। C40 करके दोस्तों वॉल्वो का जुलाई के मतलब इसी जुलाई के मंथ में एक दोस्तों SUV लॉन्च होने वाला है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा। इस तरह की कुछ न्यूज निकल के आ रही है। आपको क्या लगता है ये कितना मजबूत होगा, कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। उनका दोस्तों सरफेस गो कोर i5 12 जनरेशन के साथ दोस्तों लॉन्च हो चुका है और अलग अलग वेरिएंट है दोस्तों इसमें। जैसा बताया जा रहा है कि 79,000 से दोस्तों ये शुरू होता है। अगर आपको लेना है तो दोस्तों जाके ले सकते हैं, हमारा काम था न्यूज़ देना, हमने दोस्तों दिया आपको। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करके दोस्तों गाली जरूर देके जाइए, ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट आप तक प्रोवाइड कर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब एप्पल की। AirPods 2 ऐसा बताया जा रहा है कि USB Type-C के साथ आएगा। मजा आया। अब दोस्तों सुनने में तो लग रहा है अजीब, लेकिन ऐसा कुछ मामला होने वाला है। आपकी जो भी राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। तो टाइप सी के साथ अगर ये आएगा दोस्तों, तो ऐसा नहीं कि केबल जो दे रहे थे आप केबल भी रिमूव कर दें, उठा ले रे बोले भैया आपके पास तो एंड्रॉयड का होगा टाइप सी, जाइए उसी से चार्ज करिए। आपकी जो भी राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों वक्त होता आपके सवाल लेने का। तो आदित्य देसाई, इनका सवाल भी है और इनका जवाब भी है, एक ही साथ है। इनका कहना है कि Redmi Note 10 Pro पे जो हम फोटो वगैरह लेते हैं तो येल्लो शेड में जो आता है तो उसको फिक्स कर सकते हैं। डिस्प्ले में जाकर कलर शेम में जाके विविड कलर को चूज़ करिए, तो आपका जो है ये येल्लो शेड वो दोस्तों थोड़ा सा वाइटिस में जाएगा, थोड़ा सा, पूरा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम ये है, मैंने इनको ये बताया कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इस तरह का कलर पे अगर सेट कर लेते हैं तो होगा क्या, जब वीडियो वगैरह देखेंगे तो थोड़ा सा फीका फीका आपको दिखेगा। AMOLED डिस्प्ले होने के बाद भी IPS का मजा मिलेगा। आपकी जो भी राय है क्या आप करेंगे या नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब Xiaomi की। Xiaomi का दोस्तों Redmi Note 12 Pro, इसका दोस्तों फर्स्ट लुक अगर देखना है तो देख सकते हैं, लेकिन ये ऑफिशियली है या क्या है पता नहीं, लेकिन डिजाइन काफी जबरदस्त लग रहा है। अगर आपको सही लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों बात करते हैं Xiaomi के लॉन्च इवेंट की। तो दोस्तों 3 फोन लॉन्च हो गया जो दोस्तों घातक फोन है। अब दोस्तों इसमें से सबसे पहले 12S, 12S Pro और 12S Ultra। सबसे पहले बात करते हैं 12S की। इसमें दोस्तों आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 वाला दोस्तों प्रोसेसर, 6.67 इंच का दोस्तों सुपर AMOLED डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के साथ,
50 13 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 32 का सेल्फी और यहाँ पर 4500 मिली एम्पियर आवर की बैटरी, 67 वाट का फास्ट चार्जिंग। और इसकी जो प्राइस आई है दोस्तों 44,000 रुपये, कन्वर्ट करके इंडियन मनी के हिसाब से आपको बता रहे हैं। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। वही दोस्तों बात करते हैं प्रो वर्जन की, तो इसमें भी दोस्तों सेम प्रोसेसर है लेकिन यहाँ पर दोस्तों कैमरा और डिस्प्ले चेंज है। 2K डिस्प्ले के साथ आता है, ये भी दोस्तों 120 हर्ट्ज़ के साथ आता है, लेकिन यहाँ पर जो कैमरा है 50 50 50 50 तोला दोस्तों तीनों ही लेंस। आपको ये दोस्तों कैसा लगा, 32 का सेल्फी और यहाँ पर 4500 मिली एम्पियर आवर की बैटरी और इसकी जो प्राइस आई है 55,000 रुपये। और वहीं दोस्तों अल्ट्रा तो अल्ट्रा ही है दोस्तों, इसमें दोस्तों जो कैमरा दिया गया है इसमें भी 2K डिस्प्ले है लेकिन इसमें जो कैमरा दिया गया है 50 48 48 और दोस्तों TOF का एक सेंसर दिया गया है जो दोस्तों टेलीफोटो को और भी ज़्यादा 120x तक जूम कर देगा, इस तरह की कुछ बातें चल रही है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4500 mAh की बैटरी, 67 वाट का फास्ट चार्जिंग, इसकी प्राइस है 70,000 रुपये, कन्वर्ट करके बता रहे हैं। आपको दोस्तों क्या लगता है इंडिया में आएगा तो किस तरह का होगा? वैसे दोस्तों तीनों में सोनी का सेंसर है, दोस्तों अल्ट्रा में जो है देखने को मिलेगा IMX898 का सेंसर और वहीं दोस्तों उन दोनों में मिलने वाला आपको सोनी का IMX766 का सेंसर। तो इस तरह के दोस्तों सेंसर के साथ ये फोन लॉन्च हुआ, आपको क्या लगता है इंडिया में आएगा तो कितना घातक होगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वहीं दोस्तों बात करते हैं Xiaomi का बैंड 7 प्रो, ये भी दोस्तों लॉन्च हो चुका है 5 ATM रेजिस्टेंट के साथ। दोस्तों ये आता है 1.62 इंच का दोस्तों, इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले वगैरह दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों GPS वगैरह और भी दूसरी फीचर्स सब कुछ यहाँ पर दी गई है और इसकी जो प्राइस है 4700 रुपये, कन्वर्ट करके दोस्तों बता रहे हैं, और 700 रुपये दोस्तों इनका बिल्ड का अलग से अगर आप लेना चाहते हैं। तो इस तरह के साथ दोस्तों ये लॉन्च हुआ, आपको क्या लगता है इंडिया में आएगा तो दोस्तों इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दी। चलिए दोस्तों बात करते हैं Xiaomi का 12T, ये भी दोस्तों बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा इंडिया में और इसमें दोस्तों होने वाला है Dimensity 8100 का प्रोसेसर। आपको क्या लगता है इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दी। चलिए दोस्तों बात करते हैं iQOO 10 सीरीज की, तो दोस्तों iQOO 10 में ऐसे देखने को मिल रहा है 8th generation वाला दोस्तों प्रोसेसर ऑफिशियली दोस्तों इसमें कंफर्म हो चुका है। आपकी जो भी राय है कमेंट में अपनी राय जरूर दी। वही दोस्तों बात करते हैं iQOO का 9T, इंडिया में दोस्तों 8th generation के साथ दोस्तों इसी जुलाई के मंथ में लॉन्च होने वाला, इस तरह की दोस्तों कुछ बातें चल रही है। आपको जो भी लगता है अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट में। चलिए दोस्तों बात करते हैं Realme GT2 न्यू मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन, मतलब दोस्तों डब्बा के इस तरफ से फिर से शुरू होगा नाम और एंड तक जाएगा और दो राउंड घूमेगा और नीचे तक जाएगा। आपको दोस्तों ये फोन कैसा लगा? वैसे फर्स्ट लुक देख लीजिए इस तरह का कुछ है और यहां पर दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है 12 जुलाई को चाइना में लॉन्च होगा, इसकी टीजर पेज वगैरह आ चुकी है। आपकी जो भी राय है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं ओप्पो की, ओप्पो का दोस्तों ऑफिशियली न्यूज़ ये निकल के आ रहा है कि ओप्पो दोस्तों इस साल 2 फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च करने वाला है। अब दोस्तों चाइना में होगा या इंडिया में होगा पता नहीं लेकिन होने वाला है, काम चल रहा है। आपकी जो भी राय है, आप फोल्डेबल फ़ोन के लिए इंटरेस्टेड रखते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं आप सैमसंग की, सैमसंग का दोस्तों जेड फोल्ड 4 और फ्लिप 4, ये दो फ़ोन दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी जो प्राइस होने वाली है फ्लिप 3 के और फोल्ड 3 के जैसा ही होगा, लेकिन दोस्तों ये दोनों ही इंडिया के आज BIS में लिस्ट हो चुके हैं, इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको जो भी राय है कमेंट में अपनी राय जरूर। वही दोस्तों बात करते हैं सैमसंग का दोस्तों 04, ये जो है दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि ये CC सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो गया है, डायमेंसिटी 700 के साथ दोस्तों ये फोन देखने को मिलेगा। अगर ये फोन आता है तो कितना महंगा होगा, कमेंट में अपनी राय जरूर। बात करते हैं OnePlus 10T, इसकी दोस्तों प्राइस लीक हो गई है इंडियन मनी के हिसाब से अगर कन्वर्ट किया जाए तो 55-56 हज़ार रुपये होगा दोस्तों, 799 यूरो। आप दोस्तों इसको कन्वर्ट करते रहिए, हम देते हैं आपको नेक्स्ट न्यूज़। बात करते हैं दोस्तों वीवो का Y77, ये जो है दोस्तों 7 जुलाई को इंडिया में लॉन्च होने वाला है, इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। डायमेंसिटी 810 का प्रोसेसर होगा, नॉर्मल सा फ़ोन होने वाला है दोस्तों, अंडर 15,000 ये आएगा। आपकी जो भी राय है ज़रूर बताइए कमेंट में। चलिए दोस्तों बात करते हैं ROG फोन 6 की, ये जो है दोस्तों ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो गया है, लिस्ट होके क्या फ़ायदा हो दोस्तों, प्राइस वगैरह आपको क्या लगता है इसकी कितनी होनी चाहिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों टेक न्यूज़ होती है ख़त्म, बात करते हैं एक अमेजिंग फैक्ट की, तो ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों, आज ये न्यूज़ आई है, कैल्शियम करके दोस्तों एक कंपनी है, उसका कहना ऐसा है कि दोस्तों 39,846 या 49 रुपये दोस्तों आप खर्चा करिए और वो आपको कुछ टेस्ट वगैरह करेगा आपका स्किन का और बता देगा कि आप कितना दिन जिंदा रहेंगे, मतलब दोस्तों ठग लाइफ में भी दोस्तों नेक्स्ट ठग लाइफ ऐसे तो नहीं होता है। आपको दोस्तों ऐसा कुछ मिलेगा तो आप करेंगे टेस्ट वगैरह, हम तो नहीं करेंगे भैया, क्योंकि अगर
अगर पता भी चल गया कि 50 साल 100 साल 150 साल बाद भी मरने वाले हैं, तो भी दोस्तों दिमाग में ये टेंशन आएगा कि मरने वाले तो है ही है। तो दोस्तों इसीलिए टेंशन फ्री रही है, जब आने का रहेगा आ जाएगा मौत, हम लोग निकल लेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी सवाल है दोस्तों कमेंट में जरूर करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।